दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों कई बार मन में ये विचार आता है, ये पाप और पुण्य क्या सचमुच में है? सुख का अनुभव होना या दुख का एहसास होना क्या पाप पुण्य की वजह से है? हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि बुरा मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो, बड़ों का आदर करो, नहीं तो पाप लगेगा। तो क्या ये सही है? चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। पुण्य और पाप कर्म का किस तरह से बंधा जाना होता है उसका सिंपल सिद्धांत आपको बताया। आप हर रोज रात में जैसे रोज में निकालते हैं, ऐसे अपने अपने कर्मों की भी बैलेंस शीट एवरी डे निकालना चाहिए। रोज मेल कहते हैं ना, तो उसको एवरी डे रात को सोते पहले 10 मिनट निकालो और देखो सारे दिन की फिल्म को रिवाइंड करके देखो कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कर्म बांधे, किसको हमने दुख दिया, किसको सुख दिया, तो वहाँ ही आ जाएगा पुण्य पाप का हिसाब। और औरों के कितने दोष देखे और हमारे खुद के कितने देखे, तो भी अपने को अपना ही हिसाब मिल जाएगा। तो वहाँ ही आप उसको पश्चाताप करके प्रतिक्रमण करके उसको वॉश आउट कर दे सकते हैं। और जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाती है तो शो टेट साइड दोष होते ही वहाँ के वहीं प्रतिक्रमण करके ही आप इन सारे कर्मों को वॉश आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ के लिए वो चार्ज नहीं करना होते, यहाँ ही खत्म हो जाता है। अगर यह आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान यह हथियार तीर्थंकरों ने दिया नहीं होता, ज्ञानियों ने दिया नहीं होता, तो कोई मोक्ष में जा ही नहीं सकता था। कर्म में से किस तरह से छूटता था? होते तो रहते हैं कुछ अच्छे बुरे कर्म, लेकिन उसमें से छूटना कैसे? तो इसी चीज से प्रतिक्रमण से ही छूट सकते हैं। तो जितने जीवन में अपने गलतियां दिखती जाए वैसे वैसे उसके प्रतिक्रमण करते जाए, वैसे वैसे आप अपने कर्मों से मुक्त होते जाते हैं। और इसमें कुछ क्रिया करे कि नहीं है, मन में ही करने का है। मन में किसी का दोष देख लिया तो उसके जिसका दोष दिखा उसके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगो, शुद्धात्मा के पास ही माफ़ी मांगो कि यह मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय करो। ऐसी गलती फिर हो गई तो बार बार करो, सेम गलती रिपीट हुई तो भी करो, क्योंकि ये कलयुग में एक एक गलती के लाख लाख पड़ रहते हैं तो रिपीट होती जाएगी। आप कहेंगे प्रतिक्रमण करा फिर क्यों सेम गलती होती है? नहीं, ये तो एक ही गलती के लाख लेयर्स रहते हैं। तो जैसे अनियन के लेयर्स रहते हैं, एक लेयर निकाला तो दूसरा आया, दूसरा निकाला तो तीसरा, इसी तरह से यह है एक एक दोष के लेयर्स। प्रतिक्रमण करने से एक लेयर जाता है, दूसरा करने से दूसरा, जितना करते जाओगे उतने लेयर्स कम होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दोष आप में रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। यह अनुभव करके सिद्ध किया हुआ सारा सिद्धांत है, ज्ञान है। इसको आप जितना अपने जीवन में अप्लाई करते जाओगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलते जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। प्रश्न था पाप और पुण्य
दोनों कर्मों से कर्म बंधन होता है तो फिर शुद्धात्मा के खाते में रकम कैसे जमा होगी? पाप और पुण्य से कर्म बंधन होता है, मगर पाप और पुण्य किस चीज से बंधन होता है? अहंकार से, मैंने किया, कर्ता भाव से कर्म बंधन होता है। तो ज्ञान के बाद क्या होता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, राकेश जुदा है, और राकेश जो भी करता है वो मैं नहीं करता, व्यवस्थित शक्ति करवाती है। ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना? तो ये जागृति होने के वजह से क्या होता है कि राकेश अच्छा करे या बुरा करे, हमें भीतर में जागृति के राकेश कर रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो अकर्ता हूं। तो रकम जमा कौन कराएगा? हाँ, हमें करनी है, राकेश को नहीं करनी है। हमें जो प्रतीति बैठी है उसमें से हमें अनुभव तक पहुंचना है, आत्मा का स्पष्ट अनुभव। हम थोड़ी जो अज्ञानता से हम अहंकार किया था, हम लॉस किया था, अभी हम ज्ञान में रहेंगे तो लॉस खत्म होते जाएगा और प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। वो प्रॉफिट हमें चाहिए, राकेश को तो इधर ही छोड़ के जाने का है। ये रकम हमारे साथ आएगी मोक्ष जाने तक। ये तो कैसे होगी ये रकम? हाँ, वो बताते हैं आपको। दादाजी की 5 आज्ञा में रहने से, सभी को निर्दोष देखो, शुद्धात्मा देखो, हुआ सुव्यवस्थित देखो, फाइलों का संभाव से निकाल करो। जितनी 5 आज्ञा में रहो उतना शुद्धात्मा का अकाउंट में क्रेडिट होगा। बाद में सत्संग में आइए तो आए आप, वो भी बहुत बड़ी रकम जमा हो जाएगी। बाद में किसी को दुख होता है तो प्रतिक्रमण कराओ, रात को शुद्धात्मा का ध्यान करके सो जाओ, चरण विधि पढ़ो, ये सब हमारे आत्मा का अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ऐसी बात बताइए। आपको समझ में आया? आपको आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं पाप और पुण्य की। चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। मैं जो धर्म की बात में समझती हूँ, तो मैं मेरे पति को बहुत चाहती हूँ, तो मैं ऐसा भी चाहती हूँ कि वो भी धर्म में आस्था करे और कुछ ज्ञान की बात में आस्था करे, पर वो धर्म कर्म आत्मा परमात्मा पाप पुण्य जैसी बात को मानते ही नहीं है। अगर उसे समझाना है तो आप थोड़ा शॉर्ट में कुछ ऐसा समझाओ कि वो आस्था करने लगे धर्म में। वो आए हैं या? हाँ आए हैं। कहाँ है भैया? अच्छा, हमको उनके साथ जरा ज्यादा मेल जोल होगा आपसे, क्योंकि हम भी उनके जैसे ही थे। अच्छा। किसी चीज में नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। ये सब धर्म वर्म तो सब हम्बक लगता था। मंदिर में जाओ, पाठ पाठ पूजा करो, माला करो, ये करो। हमारी मेरी हमारी माँ करती थी, रोज सुबह में आधा घंटा माला करती थी, दिया बत्ती करती थी, पाठ करती थी। तो बचपन से ऐसे विचार आते थे कि ये आधा घंटा करती है सारी चीजें, लेकिन बाकी के 23.5 घंटे का क्या, कितना घोटाला करती है। तो ये सब हमक ऐसा लगता था। क्या आपको भी हमारे जैसा ही लगता है? ना, ऐसा नहीं लगता। अच्छा, तो हमारे से 2000 अच्छे हो ज्यादा। तो क्या लगता है? अच्छा लगता है, ठीक महसूस करता हूँ। आपको किसी को दुख देना अच्छा लगता है? नहीं, कभी नहीं। फिर किसी की बुराइयां करना, किसी का कुछ ले लेना, ऐसा कुछ अच्छा लगता है आप? नहीं, कभी सोच में भी नहीं आता है। तो फिर इससे बड़ा आध्यात्मिक जीवन किसे कहे गए? आप भगवान के नाम लेती माला करती, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ है? इसकी कीमत है अध्यात्म में, इसमें कीमत। धर्म में आप पाठ पूजा करो, माला करो, जप करो, उपास करो, ये धर्म में चलता है। अध्यात्म में ये चीज बिल्कुल काम नहीं आती है। अध्यात्म में इनके पास है वह चीज काम में आती है। तो कैसे कहती है कि मेरे पति में पति के पास आस्था नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। हम जब मैं समकित की बात करती हूँ, पाप पुण्य की बात करती हूँ, वो इतना गुस्सा हो जाता है मेरे पर, तो मुझ में कोई कमी होगी बात करने में, ऐसा मैं महसूस। हाँ, अपने पास कुछ है नहीं और बड़ी बातें करें क्या होगा? बस वैसा ही है। मैं उसको समझाने की कोशिश ऐसा ही करता हूँ कि देखो, ये पाप पुण्य बात बात में बात, ऐसा करने से पाप होता है, ऐसा करने से पुण्य होता है, सब ऐसे हर रोज सुनने में से तंग आ जाता हूँ। क्या आप जैन हो? हाँ, जैन है, प्योर जैन। यही मोकान है। आत्मा को याद नहीं करेंगे, लेकिन पाप और पुण्य ही इसमें। वायु काय मर गए, तेव काय मर गए, जल काय मर गए, अब काय मर गए, ये मर गए। अरे भाई, वो मर छोड़ो, ये बड़े बड़े प्रचंड काय है, उनका ध्यान रखो।
ये पीएचडी के बाद केजी में लाए हैं और केजी के बाद पीएचडी में ले जाने, पीएचडी तो है ही नहीं, यहाँ ही घोटाला होता है। संकेत यानी तो आत्मा प्राप्त करने के बाद संकेत होता है, इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े साधु सन्यासी लोग भी इसके पीछे पड़े हैं प्राप्त करने के लिए। तो तू आप आपके पास ये माल है नहीं, बड़ों बड़ों के पास नहीं था, आपके पास नहीं है, पति को क्या उसके बारे में समझाओगे, आप ही नहीं समझिए। मिथ्या दर्शन कहते हैं, मिथ्या दर्शन है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ऐसे यानी कि पहले अपने आप को आत्मा हूं ऐसा देखो, जानो, और औरों के अंदर भी वही आत्मा है, शरीर रूप नहीं है। ये दृष्टि खुल जाती है हमेशा के लिए, तब कहीं जाके सम्यक दर्शन हुआ है, संकित हुआ ऐसा कहा जाता है। जिसको ये हुआ फिर उसको पुण्य पाप की पड़ी नहीं है, उसको तो आत्मा कर्म खपाने की पड़ी है। पाप को छोड़ना और पुण्य को उपार्जन करना, यह बात फिर संकित के मन आती ही नहीं है। संकित प्राप्त करने के बाद तो पाप हो या पुण्य हो जो भी हो सबसे छूटना है, तभी कहीं जाकर मोक्ष होगा। पर वो आलोक परलोक कुछ मानते ही नहीं है कि आलोक क्या है। अरे आलोक यही लोक में कुछ नहीं है तो परलोक में क्या मानेंगे वो, पहले ये लोक में करके बताओ तो परलोक आएगा, आपको उसके मानने की जरूरत ही नहीं है। ये लोक अगर हमारा सुधरा, जिसका वर्तमान सुधरा उसका भूत और भविष्य सुधर जाता है, जिसका ये लोग सुधरा उसका परलोक तो खुद ब खुद सुधर जाता है, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। सच्ची बात है ना। आप हमारे उनके विचार एक है, आप तो अलगो कर्मकांडी हो गई है, आध्यात्मिक विचार में आ जाओ, वर्तमान को सुधारो। वर्तमान में अगर राग द्वेष न हो तो आप जीत गए। कषायों से छूटना है, क्रोध मान माया लोभ से छूटना है, नहीं क्या आलोक परलोक को लेके बैठने का है। अभी वर्तमान में ये सब हो रहा है और परलोक की बात सोच रहे, इसी वर्तमान में इस चीजों से मुक्त हो। अभी ये पल मेरी कैसी है जा रही है उसको देखो, वहां अगर क्रोध मान माया लोभ कुछ भी हुआ तो उसका पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो, भाव प्रतिक्रमण क्रिया करोगी तो कुछ नहीं बनेगा। भाव से दिल से पश्चाताप करके अपने दोषों को पापों का प्रायश्चित करो। अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए हर रोज? अपने पति के रोज पैर छूना चाहिए। अच्छा। लो पति लोग तालियां बजाने लग गए। नहीं, तालियां बजाने की बात नहीं है, आपका हमारा प्रॉब्लम थोड़ा था वो काफी सरल बना दिया। क्या उनकी बात को स्वीकारो, समझो क्या। अच्छा, उनकी बात को समझो, उनके उनके विचारों को देखो और अपनी बात थोपने की जरूरत नहीं है। उनकी अच्छी बात ले लो, आपकी बात अच्छी होगी तो खुद ब खुद वो सिखाएंगे। अच्छा, जय नीरू। कहने की जरूरत नहीं है, करके बताने की जरूरत है। जीवन में बर्तन में आएगा तो ऑटोमेटिक सामने वाले को वो आकर्षित करेगा। अच्छा, आपके आशीर्वाद से मैं कर सकूं बस? हाँ जरूर करो, ज्ञान लेना, इससे आपका ये दृष्टि पूरी बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना कि दुख देने का भाव ही पाप का कारण है, तो चलिए वो भाव ही को धो डालते हैं प्रतिक्रमण के अनोखी हथियार से, और पाते जिंदगी से जुड़े ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे इस कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।